अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी ज़ैन गेमिंग, लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर ना तो हम पबजी के किसी इवेंट के बारे में बात करने वाले के लिए हैं, ना ही हम पबजी के आने वाले लीक्स के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी टाइटल के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। भाई, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पबजी के बैन के हवाले से। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पबजी मोबाइल है वो जो है बैन हो रही है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। तो मैंने भी टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखी, जहाँ पे मैं जो भी वीडियो देख रहा था तो उसमें यही लिखा आ रहा था, यही दिखा रहे थे कि जो पबजी है वो पाकिस्तान के अंदर बैन हो रहा है। तो फिर गाइज़, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च किया तो न्यूज़ चैनल पर मैंने जो देखा वहाँ पर भी यही न्यूज़ चल रही है कि पबजी बैन हो रहा है। जब मैंने उसके पीछे थोड़ा बहुत सर्च किया कि ये क्यों बैन हो रही है, आखिर पाकिस्तान में वजह क्या हुई, तो भाई मुझे एक ही वजह बार बार सामने आ रही थी कि भाई लाहौर वाली साइड पे एक बच्चे ने, जो कि फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है और लगभग 17 से 18 साल उसकी एज है, और उसने अपनी अम्मी को और अपनी दो छोटी बहनों को और एक छोटे भाई को कत्ल कर दिया है। और गई ये जो है ना, ये न्यूज़ के अंदर सुनने को मिल रहा है, ये मैं आप लोगों को अपने पास से नहीं बता रहा। और इसके अंदर ये बता रहे हैं कि उसने क्लियुक क्यों किया, उसके लिए वजह उन्होंने ये बताई है कि इसने पबजी ज़्यादा खेल दी है, ये पबजी ज़्यादा खेलता था। और कोई तो कहीं ये भी कह रहा है कि इसको यही था कि मैं इनको दोबारा से रिकॉल कर लूँगा, मैं इनको रिवाइव कर लूँगा। तो गाइस, आप लोग ही बताओ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ऐसा फील किया है पबजी को खेलते खेलते कि भाई आप अपनी फाइल को किल करने लग जाओ, आपका किल करने को दिल करे या खुद को किल करने लग जाओ? तो भाई मैं पबजी 3 साल से खेल रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं अपने आप को किल करूं या खुद को कोई नुकसान पहुंचाऊं या अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊं। या तो भाई वो बच्चा जो था वो साइको था, या तो जो उसने किल किया है या अपनी फैमिली को उसने किल किया है, उसका अपना कोई फजाती मामला हो सकता है। क्योंकि साथ साथ गई ये भी सुनने की आ रहा है, उस बच्चा जो था वो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था और वो जो नशा करता था, ठीक है, आइस का नशा करता था, जिसके लिए उसने अपने घर वालों से पैसे मांगे, उसके घर वालों ने उसको नशे के लिए पैसे नहीं दिए, तो वो गेम खेल रहा था, गेम में उसको किल हो गया, गेम में उसे गुस्सा आया तो उसने अपनी अम्मी को मार दिया। पहले उसने अपनी अम्मी को गैस मारा, अम्मी का मुंह पे उसने तकिया रखे, अम्मी को सांस बंद की, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, माज़ल्ला, ऐसी कैसे ऐसी औलाद अपनी माँ को ऐसे मार सकती है, कैसे हो सकता है गैस, इस तरह कोई भी इतना जालिम कोई भी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया, फिर साथ ही उसकी जो माँ के साथ एक छोटी बेटी सोई हुई थी, ठीक है, इसकी छोटी बहन सोई हुई थी, वो उठी है, द जाल ने अपनी उस छोटी बहन को पहले फायर कर दिया, ठीक है, वो छोटी बहन को फायर किया है तो साथ ही दूसरी बहन जो थी वो भी उठ गई है, ठीक है, इसने उस छोटी दूसरी छोटी बहन को भी फायर कर दिया। तो जब फायर रहा, ठीक है, फायर की आवाज़ आई तो साथ ही इसका छोटा भाई जो था वो अंदर से उठ के बाहर आ गया, ठीक है, अंदर से उठ के बाहर आया, तो इसने जाके उस छोटे भाई को, इसको अपने छोटे भाई पर तरस नहीं आया कि मैं उसको तो छोड़ दूँ, उसने उसको किल कर दिया, उसको भी फायर किया, वो छोटे 3 छोटे मासूम बच्चे थे और इसकी माँ जो थी, ठीक है, वो लाचार, उसको भी इसने किल कर दिया और ख़ुद जाके ये नीचे की तरफ, नीचे बेसमेंट में जाके, दूसरे कमरे में जाके आराम से नींद पूरी करने लग गया। तो गाइज़, मेरा ये काम यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पबजी बैन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ तो वक्त तो बात सही है कि पबजी बैन हो रहा है और न्यूज़ वाले भी यही बोल रहे हैं। अभी जो है ना, इसके पीछे कुछ रिपोर्ट वोट भी जमा हो गई है, ठीक है, लेटर वगैरह उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, जो कि आप लोगों को भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाई। मुझे नहीं लगता कि इसका पबजी बैन होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पबजी जब पिछली बार बैन हुआ था तब पबजी पाकिस्तान को टैक्सेस नहीं थी पे करती, तो इसके बाद जब दोबारा से 2 महीने के बाद अनबैन हुआ तो वो पाकिस्तान को टैक्सेस पे कर रहा है तब से। तो गैस, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में पबजी बैन होगा, क्योंकि अगर पबजी बैन होता है तो पबजी टैक्सेस पे नहीं करेगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो गैस, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो नुकसान नहीं होने देंगे अपने मुल्क का, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि पबजी बैन नहीं होगा पाकिस्तान में। तो दूसरा भाई, अगर फिर भी पबजी बैन होता है तो भाई आपको पता है क्या करना है। अगर गाइज आपको नहीं पता, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन कॉल पे कर रखना। मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे बहुत से तरीके जिससे आप जो पबजी खेल सकते हो। और थर्ड, जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कि काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तान में पबजी के रिलेटेड हैं, मतलब कि पबजी के कंटेंट बनाते हैं और भाई उनका जो घर जो है ना वो पबजी की वजह से ही चलता है। तो गाइज, इसलिए आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं, पबजी इंशाल्लाह बैन नहीं होगी। बाकी अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बता दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से कर लेना, अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगा। तो बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह दुआ करना पबजी बैन जो है वो हमारा पाकिस्तान में बैन नहीं होगा। मैंने 2-3 रीज़न बताई है तो भाई वही हो सकते हैं। तो बाकी अपने ओपिनियन पर ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में।
तो बाकी गाइज़ आप लोग उस जो अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, अगर आप उस लड़के को देखो तो आपको उस लड़के की शक्ल देख के पता चल जाएगा कि वो लड़का ज़रूर कोई ना कोई नशा करता है, और उसने नशे की हालत में ही अपनी माँ बेचारी को और दो बेचारी बहनों को, छोटी बहनों को, 5-6 साल की बहनें थी, शादी से भी छोटी थी, और इतना ही भाई था उसको, उसने कत्ल कर दिया। ठीक है, आप उसको शक्ल देख के पता चल जाएगा वो लड़का खुद कर नशा करता है नहीं करता, मुझे लगता है वो रहते हैं नशे में। तो गाइज़ बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पबजी बैन नहीं होगी। ठीक है, आप लोग भी दुआ कीजिए। तो गाइज़ आज वीडियो के अंदर इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।